प्रोबेबिलिटी, नाम तो आपने सुना ही है, आपने 8th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, और हम 10th में भी फिर से प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है? यदि हमारे पास एक फ्लास्क है, उसमें यदि आपके पास इफ़ यू काउंट देर आर 7 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स, तो यदि अब हम बिना देखे आपकी आंख पर एक पट्टी बांध दी जाए, ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाए और आपको पकड़ा दिया जाए ये फ्लास्क कि अब आप इसमें से बिना देखे एक बॉल निकालिए, ऑल बॉल्स आर आइडेंटिकल इन साइज, कि आप साइज से नहीं बता सकते कि रेड है कि ब्लू है, पर साइज एक जैसा है, कलर डिफरेंट है, और आपसे पूछा जाए कि क्या चांसेस हैं कि आप एक ब्लू बॉल बाहर निकालें या आप एक रेड बॉल बाहर निकालें, इसके क्या चांसेस हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू नो प्रोबेबिलिटी, कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। कैसे करेंगे? तो हम सिंपली क्या करेंगे, आपको पता है ये बेसिक नॉलेज है आपका कि जिस कलर की बॉल्स ज़्यादा होंगी उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपने काउंट किया कि देर आर 7 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स, तो टोटल क्या हो गया, 7 + 5 गिव्स यू 12। तो यदि हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स या मार्बल्स है तो मार्बल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, तो 7/12 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल। और यदि हम ब्लू की निकाल रहे हैं तो हाउ मेनी ब्लू बॉल्स आर देयर, 5, एंड टोटल आपने कितनी थी 12, तो 5/12। तो दिस इज़ द सिंपल कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स उस पर्टिकुलर चीज़ के फेवरेबल, रेड बॉल्स है तो रेड बॉल हैं कितनी, हाँ वो फेवरेबल आउटकम्स कितने और टोटल आउटकम्स कितने हैं, दिस इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी। और बेटा आपने 9th में जो पढ़ा था तो आपको याद होगा, हम इसको एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, इसको हम ये जो हम काम कर रहे हैं दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंट। ये साइंस के एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं है कि हम केमिस्ट्री में कुछ लैम आपकी टेस्ट ट्यूब में कुछ केमिकल्स डालें और कुछ धुआं निकल जाए या कुछ पॉप साउंड हो जाए या कुछ कलर चेंज हो जाए, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए। हम यहाँ पर मैथ्स में यदि हमें कॉइन को भी उठा करके टॉस कर दें, या हमने बहुत सारी बॉल्स मिक्स की उसमें से एक बॉल निकालें, या हम डाइस को थ्रो करें जब हम स्नेक एंड लेडर या लूडो खेलते हैं, ऑल दिस थिंग्स आर एक्सपेरिमेंट, या हम इसको इवेंट कहते हैं। इवेंट तभी नहीं जब अमिताभ बच्चन आए या सचिन तेंदुलकर को बुलाया जाए या अब नीरज चोपड़ा आ जाए, दैट इज़ नॉट एन इवेंट। मैच में इवेंट कुछ भी आपने काम किया, आपने एक डाइस थ्रो किया, आपने स्पिन वाले को स्पिन कर दिया तो किस नंबर पर जाके रुकेगा, ये सब इवेंट है, हाँ, और इन्हीं को हम एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो इस प्रोबेबिलिटी को हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी के लिए एक वर्ड आपको और मिलेगा, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, सिंपली आपको यह याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी सेम फॉर यू, आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो अब हम आगे बात करें, यदि हमारे पास कार्स जा रही हैं, हाँ इफ यू हैव लॉट ऑफ कार्स, कि 4 रेड है 6 ग्रीन है, तो टोटल कार कितनी हो गई, देर आर 10 टोटल कार्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार क्या हो गई, नंबर ऑफ रेड कार्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्स, तो रेड कार्स कितनी है 4, टोटल कार्स कितनी है 10। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी में हम इसका आंसर 2/5 लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में प्रोबेबिलिटी को लिखा जा सकता है, पर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 है, 10 को डिवाइड करना, 10 से डिवाइड करना मीन्स यू जस्ट नीड टू शिफ्ट डेसिमल, तो हम इसको 2/5 की बजाय हम इसको 0.4 लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो ये हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बट इफ़ इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल या डिवाइड बाय 10 है, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 5, यू शुड ऑलवेज राइट योर आंसर इन डेसिमल्स, ये बात आप याद रखिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार इज 0.4, तो ग्रीन कार की कितनी हो जाएगी, 6/10, दैट इज़ 0.6। और एक और बेसिक बात, ये 0.4 और 0.6 को ऐड कर दें तो टोटल क्या आएगा, 1। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स इज 1, जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी हम निकालें और सबको जोड़ दें तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है, 1 होती है। क्यों होती है, सोचा कभी, फॉर्मूला क्या था प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही फॉर्मूला है ना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो मैक्सिमम आउटकम्स क्या हो सकते हैं, कि यहाँ जो ये बॉल भरी हुई थी ये सारी की सारी रेड होती, सारी की सारी बॉल रेड होती या सारी की सारी ब्लू होती। यदि सारी बॉल रेड होती और हम रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं तो आप
बिना देखे बिना निकाले बोल दोगे कि रेड बॉल ही आएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? जितनी बॉल्स हैं 12 बॉल्स हैं और 12 की 12 बॉल्स रेड हैं, तो डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो मैक्सिमम यही हो सकता है ना कि सारे आउटकम फेवरेबल आउटकम हो, तो उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इट विल बी 1। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है या स्मॉलर देन 1, मतलब हमारे फेवरेबल आउटकम 12 से कम हो सकते हैं, है ना। मैक्सिमम 12 हो सकते हैं, मिनिमम 12 से कम हो सकते हैं। मिनिमम क्या हो सकते हैं? यदि हमने सारी की सारी बॉल रेड कलर की डाल दी तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल? ब्लू बॉल है ही नहीं, जो है ही नहीं तो उसका नंबर क्या हो गया? 0। उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0/12। ब्लू की प्रोबेबिलिटी, रेड की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो गई? 0, क्योंकि 0/12 इज़ 0। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। तो आपको क्या याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, एनी एक्सपेरिमेंट, एनी आउटकम लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो प्रोबेबिलिटी जो है, हम प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ई, ई स्टैंड्स फॉर इवेंट, कोई भी इवेंट है तो हम उसको ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्सपेरिमेंट है, इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होगी? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या तो 0 होगी कि कोई फेवरेबल आउटकम ही नहीं है, सारे आउटकम ही अनफेवरेबल है, तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी। तो प्रोबेबिलिटी इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट 1 मार्क के लिए आपका क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। सो व्हाट विल हैपन इफ द प्रोबेबिलिटी इज 0? तो ऐसे इवेंट का कोई स्पेशल नाम है? यस, वी कॉल इट एज इम्पॉसिबल इवेंट। दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, ये हो ही नहीं सकता। तो किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए तो आंसर क्या आएगा? 0। और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है उसके लिए भी एक स्पेशल नाम है, उसके दो नाम है इनफैक्ट, उसको हम क्या कहते हैं? श्योर या सर्टेन इवेंट। जो सर्टेन है कि 100% होगा ही होगा, उसको हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। उसके अलावा बाकी सब की प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल और श्योर के बीच में, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। ये 3 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट? 0। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट? 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और यदि इस तरह का रिलेशन दे दें तो 0 इज़ लेस देन आर इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आपके 1 मार्क के इस इतने से बात में बनते हैं, तो ये आपको याद रखनी है सारी बातें। चलो मूव ऑन करते हैं, ये बात हो गई, ये बात हो गई। अब यदि आपको इस तरह से दे दिया कि देयर इज़ अ जार, उसमें ऑरेंज बॉल्स हैं और आपकी टोटल बॉल्स हैं ये ऑरेंज एंड ग्रीन एंड येलो, तो व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू काउंट नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑरेंज बॉल की, तो ऊपर हम क्या डाल देंगे? नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल, और नीचे डाल देंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो आपकी जो भी प्रोबेबिलिटी है यदि वो कैंसिल होती है, तो हमेशा एक बात ये याद रखना, उसको HCF 1 होना चाहिए, नंबर शुड बी को प्राइम। 2/3 लिख सकते हो, पर 4/6, मान लो कि आंसर कैंसिल करके 4/6 आपने लिखा, तो दैट इज़ इनकरेक्ट, यू नीड टू राइट इट एज 2/3। 2/3 चलेगा, इसको आप 0.6666 या 0.6 बार ना लिखो तो चलेगा, बट 2/3 इज़ परफेक्ट, 4/6 इज़ इनकरेक्ट। ये बात बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। ठीक, तो अभी हमने जो बात की, इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, सर्टेन इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, बाकी के सारे इवेंट बीच में जिनकी प्रोबेबिलिटी कम है उनको हम क्या कहते हैं? अनलाइकली इवेंट, उनके होने के चांसेस कम है, जिनकी ज़्यादा है उसको हम क्या कहेंगे? लाइकली, मतलब ज़्यादा चांसेस है कि वो हो। एंड जो बीच में है जिसकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली, उसको हम क्या कहते हैं? इवन चांस। जैसे कोई भी मैच होता है उसके पहले क्या होता है? टॉस। अभी इंडिया इंग्लैंड का मैच था, कल टेस्ट जीता इंडिया रात को, है ना, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। सबसे पहले क्या होगा? विराट कोहली और जो भी इंग्लैंड का कैप्टन है आएंगे और टॉस करेगा अंपायर बैटिंग या बॉलिंग के लिए। वन ऑफ द कैप्टन हैज़ टू चूज़ कि हेड या टेल, है ना, कि हेड आया तो क्या, फिर वो बताता है कि भाई जीत गए तो बॉलिंग करना है, बैटिंग करनी है, एंड देन मैच स्टार्ट। तो एक बात बताओ कि डाइस क्यों नहीं उछाल देते, कॉइन ही क्यों उछालते? और एक बार आपने पढ़ा होगा, एक बार फुटबॉल के मैच में किसी ने वो
वाटर कोल्ड आइस को आइस वाटर करवा दिया था और वो रेफरी को सस्पेंड कर दिया था, लास्ट ईयर की बात है, वो अलाउ नहीं है कि आप आइस एंड वाटर कर दो. यू नीड टू हैव अ कॉइन टू स्टार्ट एनी मैच फॉर बोथ द टीम्स टू टॉस. तो टॉस के लिए हम कॉइन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉइन में आपके दो ही ऑप्शंस है, एक साइड हेड होगा एक साइड टेल होगा, है ना. एक फेयर कॉइन हम लेते हैं, गलती वाला नहीं, कई मिसप्रिंट कॉइन भी होते हैं ना जिसमें दोनों साइड हेड छप गया, इस तरह के भी होते हैं, तो वो नहीं लेना है. वी नीड टू हैव अ फेयर कॉइन जिसमें एक साइड हेड है एक साइड टेल है. तो नंबर ऑफ ऑप्शंस, यदि हम हेड के देखें तो हेड कितनी बार है, एक बार, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, ओनली टू, हेड और टेल. तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी भी क्या हुई, 1/2, बिकॉज देर आर ओनली टू ऑप्शंस एंड देर आर ओनली टू टीम्स, सो वी वॉन्ट टू गिव देम ओनली टू ऑप्शंस, और दोनों के जीतने के चांसेस इक्वल, हेड वाले के भी टेल वाले के भी, तभी तो फेयर होगा ना आउटकम. हमने डाइस उछलवा दिया, उसने बोला टू, हाँ तीसरे ने बोला 1 और मालूम पड़ा आ गया 6, किसको देंगे, कितनी बार डाइस उछालेंगे, डाइस में तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, इसलिए डाइस नहीं उछालते. तो ये भी आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा कि फुटबॉल मैच के पहले कॉइन क्यों टॉस करते हैं. तो ये बात क्लियर. अच्छा, अब आपका ये हमने बात कर ली ऑलरेडी, 0 इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज 1, बाकी सबकी बीच में है. हाँ, जिनकी प्रोबेबिलिटी कम है वो कम होने के चांसेस है, जिनकी ज़्यादा है मतलब वो चीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, दे आर मोर लाइकली टू हैपन. इवन चांस इक्वली लाइकली, मतलब इनके इक्वली लाइकली जो हेड है टेल वाला केस है उस तरह से. अब है ना क्या हुआ कि कई मैथमेटिशियंस थे, उन लोगों ने क्या किया, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हाँ, उन लोगों ने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया. दे टू अ कॉइन एंड टॉस्ड इट, दिन भर बैठ के कॉइन उछालते रहो, नोट करते रहे कितनी बार हेड कितनी बार टेल, केप्ट ऑन नोटिंग डाउन, एंड देन दे कैलकुलेटेड एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, दैट इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. और फिर उन्होंने जो रिजल्ट्स ऑब्टेन किए, कई लोगों ने किया, और उसके बेसिस पे हम जो फॉर्मूले पढ़ते हैं, हम जो अप्लाई करते हैं, वो डिज़ाइन हुआ. अच्छा, ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाट वाज द नीड ऑफ प्रोबेबिलिटी, किसके दिमाग में आया कि ये भी एक चैप्टर बना दो मैथ्स में, प्रोबेबिलिटी बच्चों को पढ़ाएंगे बड़ा मज़ा आएगा, है ना, ऐसा नहीं सोचा. क्या हुआ कि एक मैथमेटिशियन थे ब्लेस पास्कल, नाम शायद आपने सुना हो फ्रेंच, और आपको पता है कि कैसीनोज होते हैं, लोग वहाँ पे जाके गैम्बलिंग करते हैं, तो एक गैम्बलर था, वो उनके पास गया टू नो गैम्बलिंग में जीतने के चांसेस. हाँ, जैसे आप लोग लूडो खेलते हो या कैसीनो में तो बहुत पैसे वैसे लगते हैं और उस तरह से गेम्स होते हैं, तो आपके जीतने के चांसेस, यू आर इन्वेस्टिंग मनी, यू वांट टू विन, आप यदि लूज़ कर जाओगे तो आपके सारे पैसे गए, है ना. तो वो फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलासफर थे ब्लेस पास्कल, उनके पास गया और उनको उसने अपनी प्रॉब्लम बोली, तो ही गॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉब्लम एंड ही स्टार्टेड टू वर्क ऑन दिस. और उनके एक फ्रेंड थे फर्मेंट करके, दोनों ने मिल करके इस पर काफ़ी काम किया और इस तरह से प्रोबेबिलिटी का जन्म हो गया और अब हमको पढ़नी पड़ रही है. तो उन्होंने बहुत सारी थ्योरी ऑफ गेम्स करके किसी ने बुक लिख दी, हाँ बाद में और लोगों ने उसमें काम किया कि लोगों को इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ सही बात है कि डाइस को थ्रो किया तो क्या प्रोबेबिलिटी कि 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 1 आ जाए, या हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड ही आए या टेल आए, बड़ी चांस का है ना, गेम ऑफ चांस, तो वो इंटरेस्टिंग था. तो लोगों ने उस पर स्टडी किया और एक चैप्टर आपका, एक ब्रांच मैथमेटिक्स की बन गई प्रोबेबिलिटी. तो हम पढ़ते हैं उसको. तो 1000 times किसी ने हम कॉइन टॉस किया और देखा हेड आया 455 times और टेल आया 545 times. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड यदि हमने निकाली तो 455 डिवाइडेड बाय 1000 इज 0.455 एंड टेल की क्या हो गई 545 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज 0.545. ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके निकाली. जैसे 18th century में फ्रेंच नेचुरलिस्ट कॉम्टे डी बफॉन टॉस्ड कॉइन 4040 times. बताओ कितना, मैं तो नहीं कर सकती, 4040 बार बैठ के सिक्का उछाल तो फिर भी लो, नोट भी करना है कि हेड कितनी बार आया टेल कितनी बार आया, देन दे नोट डाउन कि 2048 times हेड आया. तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड के लिए क्या किया, 2048 को 4040 से डिवाइड किया एंड ही फाउंड आउट कि दिस इज 0.507. फिर एक जेई कैरिज करके ब्रिटेन से थे मैथमेटिशियन, उन्होंने 5060, इन्होंने 4040 बार उछाला, उन्होंने 5067 times
कॉइन टॉस किया एंड व्हाट ही फाउंड आउट कि हेड्स इन 10,000 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, नहीं 10,000 टॉस किया उसमें 5,067 टाइम्स हेड आया, तो उन्होंने जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की वो क्या आई 0.5067। देखो यहाँ 4,000 टाइम था तो 507 टाइम्स आई, यहाँ पर 10,000 टाइम में 0.5067 हो गई। फिर एक स्टेटिशियन थे कार्ल पियर्सन, उन्होंने कुछ और टाइम इन्वेस्ट किया, उन्होंने 24,000 टाइम्स टॉस किया कॉइन को और 12,012 टाइम्स हेड आया, तो उनकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या आई 0.5005। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हाँ ये 0.5005 है, 5067 है, ये 507 है, जैसे जैसे नंबर ऑफ टॉस इंक्रीज हो रहे हैं, हाँ 4000 से 10,000, 10,000 से 24,000, आपकी प्रोबेबिलिटी हेड की 0.5 मतलब हाफ के पास आ रही है। अभी हमने बात की थी ना हाफ आती है, तो वो कैसे आई, वो ऐसे आई। नाउ सपोज वी आस्क व्हाट विल द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बी इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड ऑन अप टू से 1,000,000 टाइम्स। यदि हम 1,000,000 टाइम्स करेंगे या 10,000,000 टाइम्स और ज़्यादा, तो आपको क्या लगेगा कि जैसे जैसे टॉस इंक्रीज हो रहे हैं प्रोबेबिलिटी हेड या टेल की 0.5 के पास आती जा रही है, हाँ तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हाफ। इसको हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम एक्चुअली हम टॉस नहीं कर रहे, तो हम इसको क्या कहेंगे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। उन्होंने जो किया दैट वाज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, उससे आंसर निकल गया एंड नाउ वी यूज इट एज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। देर आर टू ऑप्शंस, हाँ देर आर टू फेवरेबल आउटकम्स, हेड या टेल, और एक हेड का निकाल रहे तो हेड एक ही बार है और टोटल आउटकम्स टू, तो 1/2 दैट इज 0.5, दिस इज नोन एज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, थ्योरेटिकल को क्लासिकल भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर है कि कॉइन की यदि हमने बात की, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कॉइन शुड बी फेयर कॉइन। फेयर कॉइन मतलब दोनों साइड अलग अलग, हेड और टेल। शोले देखी तुम लोगों ने, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की बड़ी आइकॉनिक मूवी है, उसमें क्या होता था, हर उसमें जब भी उनको कोई डिसीजन लेना होता था, जय और वीरू, दे यूज टू टॉस अ कॉइन। कॉइन किसके पास होता था हमेशा, जय मीन्स अमिताभ बच्चन, वीरू वाज धर्मेंद्र, ही यूज टू हैव द टॉस कॉइन एंड ही यूज टू टॉस कि अच्छा ये होगा तो करेंगे, ये हेड होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना, या उसको जो भी करना होता था ना, ही यूज टू कीप इट ऑन हेड, टेल पे नहीं, जो वो चाहता था वो हमेशा हेड पे रखता था, ये बाद में पता चलता है एंड में क्लाइमेक्स में। तो वो हमेशा इस तरह से कॉइन टॉस करके डिसीजन लेता था और वीरू मान जाता था कि हाँ ठीक है, जय कह रहा है तो ठीक है। लास्ट में जब वो रुकने का होता है कि भैया ये गब्बर सिंह से लड़ने के लिए कि मैं रोकता हूँ तू जा हेल्प लेकर के आ, तब भी कॉइन टॉस करता है, बोला हेड आएगा तो मैं रुकूंगा, टेल आएगा तो तू रुकेगा। हेड आता है, वो रुकता है, वो जाता है और वो वापस आता है, देन और तब तक जय मर जाता है। व्हाट डज ही फाउंड, वो देखता है कि उसका जो कॉइन था वो फेयर नहीं था, उसमें दोनों साइड हेड था। हाँ वो देखता है कि दोनों साइड कॉइन में हेड था उसका, आप मूवी का सीन देखोगे तो मिल जाएगा आपको, तो दोनों साइड हेड था, तो ऐसा कॉइन नहीं चाहिए हमको टॉस के लिए, दिस इज़ नॉट फेयर कॉइन। और दूसरी बात, हम कॉइन को टॉस करें तो हम बोलें कि ऐसा हो जाए सीन कि भाई कॉइन तो बीच में आ गया, ना हेड ना टेल, ये इस तरह से होल्ड हो जाए, तो ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब हमारे केस में नहीं चलेगा, सैंड में नहीं उछाल रहे हम, वो कॉइन या तो हेड होगा या टेल होगा प्रोबेबिलिटी के केसेस में, ऐसा भी नहीं चलेगा शोले जैसा और ये भी नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव अ फेयर डाइस जिसमें एक साइड हेड एक साइड कॉइन टेल हो, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि फेयर कॉइन होना चाहिए, फेयर कॉइन मीन्स वी अज्यूम इट टू बी फेयर, दैट इज इट इज सिमेट्रिकल सो दैट देर इज नो रीजन फॉर इट टू कम डाउन मोर ऑफ ऑन वन साइड देन द अदर। उसके डिज़ाइन में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए कि भाई वो उसी साइड जा करके गिरे हर बार, ये भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फेयर। और वी कॉल दिस प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइन इज बींग अनबायस्ड, तो अनबायस्ड कॉइन होना चाहिए। बायस्ड मतलब कि हम उसको गिराएंगे तो वो हेड ही आए या टेल ही आए, तो वो बायसिंग हो गई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई पार्शल, तो यहाँ पर अनबायस्ड होना चाहिए। और रैंडम टॉस का क्या मतलब होगा हर जगह, कि बिना किसी बायस या इंटरफेरेंस के हम सिंपली कॉइन को टॉस कर रहे हैं, वी आर नॉट प्लानिंग कि हेड ही आए गिरे तो टेल ही आए, जैसे बच्चे करते ना स्नेक एंड लैडर में, थोड़ी सी बेईमानी कि हम थोड़ी ट्रिक्स लगाते हैं कि ऐसे करेंगे फेंकेंगे तो सिक्स आएगा, ये करेंगे, है ना, तो वो सब नहीं करना है।
बिना बायस या बिना इंटरफेरेंस के वो आना चाहिए. तो दैट इज़ अनबायस. तो रैंडम टॉस मतलब बिना देखे ही करना है. ठीक. वी नो इन एडवांस दैट द कॉइन कैन ओनली लैंड इन ओनली टू पॉसिबल वेज. हाँ, दो ही पॉसिबल वेज, या तो हेड अप या टेल अप. और ये लैंडिंग ऑन इट्स एज वाली प्रोबेबिलिटी को, हमने पॉसिबिलिटी को कैंसिल कर दिया. यदि सेंड पे हो तो हो सकता है, पर हम इसको अज्यूम नहीं करेंगे. इसको बोलते हैं लाइकली टू ऑकर एज द अदर, इक्वली लाइकली. हेड आने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने टेल आने के चांसेस. में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वली लाइकली, बिना बेईमानी के, बिना पार्शलिटी के, बिना बायस हुए आप कॉइन को टॉस कर रहे हो. हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों के चांस इक्वल है. यदि आपके पास डाइस है तो भी आप उसको थ्रो करोगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कुछ भी आ सकता है. एंड इफ़ यू हैव कार्ड्स, हाँ, तो कार्ड्स में कोई भी कार्ड आ सकता है. आपने किसी को मार्क नहीं किया है, यहाँ पे ऐसे नहीं निकालोगे कि इक्का ही आए, हाँ, या बादशाह ही आए. ठीक. इसको इक्वली लाइकली आउटकम्स होना चाहिए, ये बात भी आपको पता है. अब बोल रहा है सपोज दैट अ बैग कंटेंस 4 रेड एंड 1 ब्लू बॉल एंड यू ड्रॉ अ बॉल विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, तो आउटकम्स क्या होंगे. 4 रेड है और एक ब्लू है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा हुई. रेड बॉल ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रेड बॉल आने के चांसेस ज़्यादा हो गए. 4/5 हुई, ब्लू की 1/5 हुई. तो यहाँ पर ये आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है क्योंकि रेड बॉल्स ज़्यादा हैं, पर हमारे सिलेबस में जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स ही है. अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये हमारा फॉर्मूला था. कितने इवेंट में वो हुआ, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन्ड. जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो इवेंट कितनी बार हुआ, पर जब हम थ्योरेटिकल की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. जब हम प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे किसी इवेंट के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, उसके होने के चांसेस, और अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. द सेम फॉर्मूला यू नीड टू राइट एवरीवेयर, यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. जैसे आपको बोला हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर हेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. हाँ, डाइस है तो आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर इवन नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना. तो हमको उसको जो हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सैम्पल स्पेस, दैट इज़ नोन एज सैम्पल स्पेस. अभी बिकॉज अब आपका उसमें आएगा नहीं, ज़्यादा मार्क्स में नहीं आ रहा, यू आर जस्ट हैविंग एमसीक्यू पैटर्न, तो आपको सैम्पल स्पेस बनाने की ज़रूरत तो पड़ेगी कुछ क्वेश्चंस में, क्योंकि बिना सैम्पल स्पेस बनाए यू विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट इन सर्टेन केसेस कि व्हाट आर द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो यू नीड टू मेक सैम्पल स्पेस. तो जैसे हमने डाइस को थ्रो किया, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका क्या हो गया, सिंपल स्पेस. अब यदि आपको इसमें पूछ लिया कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4 एंड 6, देर आर 3 इवन नंबर एंड टोटल आउटकम्स आर 6, तो प्रोबेबिलिटी 3/6 नहीं लिखेंगे, कैंसिल करके 1/2 या 0.5 लिखी जाएगी. ठीक है, ये बात याद रखना. अब क्या दिया है इसमें, और कुछ छूटा क्या. हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी हम ऐसे, तो जैसे यदि हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो हम बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करके थोड़े देखेंगे कि कितनी बार फेल हुआ कितनी बार सही हुआ, वो हमको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा क्योंकि बहुत महंगा है. टॉस करना तो ठीक है भाई, बैठ के आपने किसी को बिठा दिया कि नोट करते रहे, टॉस करता रहे, है ना, इट्स अ सिंपल थिंग, इट विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम और लॉट ऑफ मनी, बट टू लॉन्च अ सैटेलाइट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स. मिशन मंगल देखी होगी आपने, मंगलयान, तो उसमें क्या होता है, कितना सारा पैसा लगता है, गवर्नमेंट कितना कम दे रही होती है, बट स्टिल दे वर सक्सेसफुल बिकॉज दे वर डिटरमाइंड टू डू दैट, कि हमको ये करना ही है. तो बहुत पैसा लगता है, तो बार बार लॉन्च करके नहीं देख सकते. अभी 2-3 दिन पहले अपना कोई एक सैटेलाइट लॉन्च वाला फेल हुआ है ना, तो इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस. तो उस केस में हमको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी. बहुत सारी केसेस है जहाँ पे आप एक्चुअली वो सब नहीं कर सकते, यू नीड टू अप्लाई प्रोबेबिलिटी ओनली. तो यहाँ तक आ गए हम, इक्वली लाइकली बता दिया मैंने. द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वॉज गिवन बाय पियरे सिमोन लाप्लास इन 1795. तो ये बात याद रख लो, कभी वन मार्क में आ जाए ऐसे आना तो नहीं चाहिए, पर कई बार क्या होता है, दे दिया जाता है कि बुक में तो है आपकी, तो आपको पढ़ना चाहिए बुक पूरी. पियरे साइमन, सिमोन भी बोल सकते हैं, साइमन भी बोल सकते हैं, लाप्लास,
इन 1795। ठीक, प्रोबेबिलिटी थ्योरी हैड इट्स ओरिजिन इन द 16th सेंचुरी व्हेन एन इटालियन फिजिशियन एंड मैथमेटिशियन जे कार्डन, इन्होंने बुक लिखी थी द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस 1645 में। वो जो मैंने आपको घटना बताई थी कि वो ब्लेस पास्कल के पास गया, वो 1645 की बात थी, है ना। उसके बाद उन्होंने पहले काम किया, फिर इसने वॉज द फर्स्ट पर्सन टू राइट अ बुक ऑन दैट टॉपिक, दैट इज अ बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। सिंस इट्स इंसेप्शन द स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी हैज अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियंस, जेम्स बर्नौली, साइंस यदि लोगे तो बर्नौली थ्योरम वगैरह पढ़ोगे, एडी मोएवर एंड पियरे सिमन लाप्लास आर अमंग दोज हु मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू दिस फील्ड। लाप्लास थ्योरी एनालिटिक डेस प्रोबेबिलिटी इज 1812 इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय अ सिंगल पर्सन टू द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। इन रिसेंट ईयर्स प्रोबेबिलिटी हैज बीन यूज एक्सटेंसिवली इन मेनी एरियाज सच एज बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स, फिजिक्स एंड सोशियोलॉजी। सब जगह पर प्रोबेबिलिटी का यूज हो रहा है, इट्स नॉट ओनली मैथमेटिक्स, बायो में भी यूज हो रहा है। क्या चांसेस है ये होगा, हाँ क्या चांसेस है नहीं होगा, तो फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, तो ये बातें आपको एक बार ज़रूर बुक पढ़ना चाहिए बेटा। कई बार क्या होता है कि कुछ बुक में से इधर उधर से कोई चीज़ दे दी और आपने पढ़ी नहीं तो आपको पता नहीं चलता है, तो इसलिए एक बार ज़रूर बुक में से जाओ और कोई भी चीज़ थोड़ी लग रही है, जैसे अब ये पियरे सिमोन लाप्लास की बुक या कार्डियन की बुक है, सॉरी बुक है जे कार्डियन की, द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी चाहिए, एमसीक्यू आएगा तो देख के याद आ जाएगा, है ना। तो कभी आ जाए, ऐसे तो चांसेस कम होते हैं, पर कई बार कुछ एब्सर्ड सी चीज़ें भी एग्ज़ाम में आ जाती हैं एंड इट बिकम्स डिफ़िकल्ट यदि हमने पढ़ा ही नहीं है। जैसे लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री के पेपर में, अप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब इसमें JPHS में क्वेश्चन था कि कौन सा ये यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द हाइट, अप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो थियोडोलाइट करके बुक में फ़ोटो दिया है, पर वो हम भी नहीं बताते क्योंकि कभी आया ही नहीं आज तक क्वेश्चन, ना CBSE में आया ना किसी स्कूल में आया, तो मैंने भी नहीं बताया था। उसके बाद से आई फेल्ट कि पूरी चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए, तो वो बुक में ही थियोडोलाइट दिया था, क्योंकि आप नेट पे भी सर्च करो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, तो वो एज इट इज़ लैंग्वेज पूरी की पूरी आपकी बुक में दी थी, है ना, तो वहाँ से उन्होंने उठा के क्वेश्चन बना दिया। तो आपको पता हो, यदि आपने पूरी बुक पढ़ी होगी तो आपको देख के एकदम थियोडोलाइट पढ़ के याद आ जाता, तो वहाँ पर फिर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। इसलिए आई विल सजेस्ट कि एक बार हर चैप्टर के पहले क्या क्या लिखा है, ऐसे तो मैंने आपको हर क्लास में यहाँ पर पढ़ा ही दिया है कि आपको क्या क्या लिखा है, किस पे ध्यान देना है, सारी बातें बता दी है, बट कोशिश करो कि खुद भी रीड करो। कोई भी चीज़ यदि MCQ में, क्योंकि थोड़ा सा आपके पास ट्रिकी हो जाता है, यदि कोई अच्छा पेपर बनाना चाहे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो तो आते ही हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन यदि डालना चाहे तो बनाए जा सकते हैं, है ना, जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं रहते, हम सोचते रहे प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है, पर इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया कि ये बुक किसने लिखी या ये ऑथर की बुक का नाम बताओ, तो हमें याद ही नहीं आएगा यदि हमने पढ़ानी है तो, है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी ध्यान दे देना। चलो अब हम एग्जांपल्स आ गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। इसी सिंपल क्वेश्चन तुमने छोटी क्लास में भी किया, एक ही कॉइन है तो एक कॉइन में आपके कॉम्बिनेशन क्या होंगे, हेड और टेल, ये क्या हो गया सिंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है 1, टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0.5। सिमिलरली हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल निकालेंगे तो टेल भी एक ही बार आ रहा है, फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल आउटकम 2, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0.5। दोनों को ऐड कर दें तो 0.5 प्लस 0.5 इज 1 या हाफ प्लस हाफ इज 1, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स, एक एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स का प्रोबेबिलिटीज़ का सम यदि हम निकालें तो वो हमेशा कितना आता है 1, ठीक है, या तो ये होगा या वो होगा। तो ये क्वेश्चन तो सिंपली ख़त्म हो गया आपका। नेक्स्ट इज अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। एक बैग में कितनी बॉल है, एक रेड है, एक ब्लू है और एक येलो बॉल है। ऑल द बॉल्स बींग ऑफ द सेम साइज टू बी इक्वली लाइकली, कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इन टू इट, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल, रेड बॉल, ब्लू बॉल। भाई टोटल बॉल कितनी हुई 3,
एक येलो, एक रेड, एक ब्लू, हाँ टोटल 3 बॉल्स और एक एक ही है, तो नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, रेड बॉल कितनी है 1, टोटल कितनी है 3, ब्लू कितनी है 1, टोटल कितनी है 3, येलो कितनी है 1, टोटल कितनी है 3, तो प्रोबेबिलिटी सबकी क्या हो गई 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो गई, जैसे हेड और टेल के केस में थी, वही यहाँ पर भी 1/3, 1/3, 1/3। तो हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। इन एग्जाम्पल वन बोथ द इवेंट्स ई एंड एफ, यदि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को ई बोला और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को एफ बोला तो एलिमेंट्री इवेंट है, क्यों, क्योंकि हेड भी एक बार आएगा, टेल भी एक बार आएगा, टोटल आउटकम्स 2। यहाँ पर बॉल्स के केस में भी आपके तीनों इवेंट, येलो बॉल, रेड बॉल एंड येलो बॉल, ब्लू बॉल एंड रेड बॉल, ये सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3 इक्वल, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री इवेंट्स। और यदि हम इनको ऐड करें तो ये दोनों का सम 1/3, 1/3, 1/3 को भी ऐड करोगे तो इट विल बी 3/3 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1। तो यू नाउ नो दैट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। हाँ ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ठीक, ये बात आपने पढ़ी हुई है 9th में भी, इसको याद रखना। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 3। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, यदि हमने किसी डाइस को एक बार फेंका तो आपको पता है डाइस में आपके क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, दिस इज योर डाइस। हम यदि डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या है, या तो 1 आ जाएगा, या 2 आ जाएगा, या 3 आ जाएगा, या 4, या 5, या 6, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6। अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑप्शंस क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा क्या है, दिस इज सैम्पल स्पेस कि क्या क्या आ सकता है यदि हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं। तो ठीक, अब हमसे पूछा है कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो 4 से बड़े नंबर कितने हैं यहाँ पर, ओनली 5 एंड 6, तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स फॉर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 आर ओनली 5 एंड 6, कितने नंबर हैं 2, और टोटल कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस नंबर ग्रेटर देन 4 इज 2/6, कैंसल होता है, कैंसल करके क्या लिखेंगे, 1/3, तो आंसर क्या आ गया, 1/3। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन आर इक्वल टू 4, 4 से छोटा या उसके बराबर, तो ये चारों नंबर लेस देन आर इक्वल टू 4 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/6 ऐड करोगे तो 4, 4/6 इज 2/3, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और ये 2/3 ऐड किया तो क्या हो गया, 3/3 विच इज़ ऑल्सो 1। ठीक है, अच्छा यदि कोई इवेंट हो रहा है तो हम उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई इवेंट नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, ई के ऊपर बार लगा देते हैं, ई बार मतलब नॉट ई, ई बार क्या होता है, नॉट ई, ई नहीं होगा, होगा इवेंट, नहीं होगा इवेंट, दैट इज नॉट ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज ऑल्सो इक्वल टू 1, हाँ कि वो होगा या नहीं होगा, तो उन दोनों का सम क्या होगा, 1। तो इसका ही आपका फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1, विच गिव्स अस, यदि हमको पी ऑफ ई बार निकालना है तो इसको हम उधर ले जाएं तो 1 - P(E) आ जाएगा। ठीक है, इन जनरल इट इज़ ट्रू दैट फॉर एन इवेंट ई पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1 - P(E), ये सिंपल कंसेप्ट है, द इवेंट ई बार रिप्रेजेंट्स नॉट ई, इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई, ई का कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, यदि हम ई और ई बार को क्या कहते थे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ठीक, नेक्स्ट है आपका बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, ये मैंने आपको बता दिया कि डाइस में 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, डाइस में आपके मैक्सिमम कितने नंबर थे, 6 तक, तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0/6, दैट इज़ 0, तो दिस इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। और यदि आपसे पूछा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई,
यदि हमने सिंगल बार उछाला तो क्या प्रोबेबिलिटी कि 7 से कम नंबर आए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल नंबर्स आर लेस देन 7, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 6/6=1, सो दिस इज नोन एज श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी 1 मतलब ये है श्योर इवेंट, और पहला वाला क्या था इम्पॉसिबल इवेंट, 8 है ही नहीं, 8 है ही नहीं तो आएगा कैसे, आएगा ही नहीं तो इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी 0, और दिस इज अ श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी 1। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले बुक में, यहाँ पर दिए, तो इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, ये पढ़ लेना आप। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में, 0 इज लेस देन पी ऑफ ई इज लेस देन आर इक्वल टू 1। नेक्स्ट है नाउ, हाँ अब हमारा भी कार्ड्स की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम एग्जांपल्स करते चलते फिर कार्ड्स की बात कर लेंगे। कार्ड्स के क्वेश्चन है इस साल आपको डिफरेंट क्या है, इस साल कार्ड्स हैं डाइस जो होता है आप एक ही बार थ्रो करते थे, इस बार आप, और इस बार आपको सिंपल स्पेस लिखने पड़ेंगे। नाइन्थ में क्या होता था आपको सारे दे देते थे कि किसी ने ये किया ये ऑब्जर्वेशन, अब बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है। टेंथ में डिफरेंट क्या है कि यू नीड टू राइट द सिंपल स्पेस, आपको बोला 2 कॉइन को संग में टॉस किया, 3 कॉइन को संग में टॉस किया, या हमने 2 डाइस को संग में थ्रो किया, या हमने कार्ड्स में से कोई कार्ड निकाला, तो यू नीड टू नो द सिंपल स्पेस इन कॉम्बिनेशंस, दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। नंबर्स के क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी में नहीं है, पर आपको नंबर्स दे दिए और उसमें पूछ लिया कि क्या प्रोबेबिलिटी 1 to 50 में प्राइम नंबर आए, 2 का मल्टीपल आए, हाँ 7 से डिविजिबल नंबर आए या प्राइम नंबर आए, तो प्राइम नंबर्स तो याद करना बड़ा ज़रूरी है। हाँ एक तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये बात याद रखना, नंबर सिस्टम में रियल नंबर्स में भी बताई थी, बट याद रखना रियल नंबर्स में भी था, यहाँ भी 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि यदि आपको बोला कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी और आपने 1 को प्राइम नंबर में काउंट कर लिया तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स गलत हो गए, टोटल आउटकम सही होगा पर फेवरेबल आउटकम्स रॉन्ग हो गए, इसलिए ये बात मरवा देती है कई बार ना कि 1 प्राइम नंबर है, लोगों को याद रहता है ऐसा, तो 1 प्राइम नहीं है, 1 कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है कि 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और रेशमा के जीतने की पूछी है, क्या करना पड़ेगा, दोनों का सम कितना होगा, 1 दो ही प्लेयर है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग इज इक्वल टू 1, तो यदि हमें रेशमा निकालना है तो ये संगीता उधर चली जाए, या देखो संगीता जीतेगी तो रेशमा नहीं जीतेगी, हाँ तो इसको हम पी ऑफ एस बार भी लिख सकते हैं, नॉट ई, संगीता विनिंग संगीता नॉट विनिंग, संगीता नॉट विनिंग इज रेशमा विनिंग, है ना, तो आप समझ रहे हो ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता नॉट विनिंग इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग, वो जो फॉर्मूला अभी हमने किया था, तो 1 माइनस 0.62, 1 में से 0.62 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.8, 70 हो गया 38 ऐड करेंगे तो ये हो गया 1.00, दैट इज 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच इज 0.38, तो दिस इज लेस लाइकली टू हैपन, इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसके जीतने के चांसेस कम हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6, सविता एंड हामिदा आर फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं सविता और हामिदा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज आर सेम बर्थडे इग्नोरिंग अ लीप ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो भाई यदि दोनों का बर्थडे सेम डेट पे है तो मान लो कि दोनों का बर्थडे आज है, मान लेते हैं कि आज क्या तारीख है, आज 17 अगस्त, कि 17 अगस्त को सविता का भी बर्थडे और हामिदा का भी बर्थडे, ठीक, तो लीप ईयर नहीं है तो एक साल में कितने दिन, 365 इन अ ईयर नंबर ऑफ डेज, बर्थडे किसी ना किसी डे पे ही तो होगा, तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं 365, और उसमें हमने उनका बर्थडे कर दिया 17 अगस्त को बर्थडे, तो वो एक दिन है ना, 1 डे आउट ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1, टोटल आउटकम कितना है 365, तो दोनों का सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/365, ठीक है, सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/365। अब मुझसे यदि पूछा है डिफरेंट बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी
तो हम वो फॉर्मूला निकाल के भी कर सकते हैं कि 1 - 1/365, कि सेम डे पे नहीं हो, सेम डे पे नहीं हो मतलब अलग अलग दिन पे हो, तो 1 - 1/365 करेंगे तो भी डिफरेंट बर्थडेज आ जाएगा। LCM लोगे तो दिस इज 365 - 1/365 एंड दिस गिव्स यू 364/365। तो डिफरेंट डेज पे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 364/365। अच्छा, अब आपने मन में क्या सोचा कि मैम पहले तो डिफरेंट बर्थडे पूछा था, बाद में सेम बर्थडे पूछा था, आपने तो उल्टा किया है ना। तो चलो पहले डिफरेंट बर्थडे निकालना भी सिखा देती हूँ डायरेक्ट। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई यदि 17 अगस्त को यदि सविता का बर्थडे है तो हामिदा का बर्थडे नहीं हो सकता, बिकॉज दे हैव टू हैव डिफरेंट बर्थडेज। तो 365 डेज में से आपका एक दिन ब्लॉक हो गया, हाँ 365 में से एक दिन ब्लॉक हो गया, तो बचे कितने, 364 डेज। तो 364 डेज में से किसी भी दिन हामिदा का बर्थडे हो सकता है, तो हामिदा का बर्थडे अलग होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का क्या हो गई, 364 फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम 365। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 364/365। ट्राई करना। लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में दोनों में वन डे प्लस कर दो तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 365, यहाँ क्या हो जाएगा 366। डिफरेंट बर्थडेज की सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/366, बिकॉज लीप ईयर में वो 29th February और आ जाता है ना। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल कंटिन्यू करेंगे आगे, थोड़ा सा पढ़ना और क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई करना। थैंक यू।